नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जगदीश शिंदे और मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर बायोप्सी, वो कैसे करते हैं, उसके टेक्निक्स, उसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई पेशेंट मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहता है तो मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पर आप जाके व्हाट्सअप थ्रू मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन थ्रू आपके कोई भी डाउट्स हैं तो उससे क्लियर करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर जब भी डिटेक्ट होता है किसी पेशेंट में तो सबसे शुरू में आपको डॉक्टर बोलते हैं कि बायोप्सी करना पड़ेगा। तो भाई, ये बायोप्सी क्या है, कैसे करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो बायोप्सी मतलब क्या है कि बायोप्सी में जहाँ पर गांठ है ब्रेस्ट में, वहाँ से एक सैंपल या पीस निकाला जाता है, वो सैंपल को लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और उस सैंपल में हमको पता चलता है कि कौन से टाइप का ट्यूमर है, मतलब कैंसर है कि नहीं है, अगर कैंसर है तो कौन से टाइप का कैंसर है, उसका ग्रेड क्या है, अगर वो कैंसर है तो उसमें हार्मोन रिपोर्ट पॉजिटिव है, मतलब ER रिपोर्ट और PR, ये जो मार्कर्स है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये सब चीज़ें हमको उस रिपोर्ट में पता चलती है। तो इनिशियल डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो बायोप्सी कैसे किया जाता है, उसके अलग अलग टेक्निक्स क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो बायोप्सी मतलब क्या है कि जो गांठ है ब्रेस्ट में, जो गांठ है वहाँ पर हम एक छोटा पीस निकालते हैं। तो पीस कैसे निकालते हैं, तो उसके अलग अलग टेक्निक्स हैं। जो सबसे पहला जो टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं FNAC, मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो FNAC में क्या करते हैं कि एक छोटा नीडल डालते हैं ट्यूमर के अंदर और उस नीडल से एक छोटा सैंपल निकालते हैं। FNAC जो है एक बहुत ही सिंपल OPD बेसिस टेस्ट होता है जिसका रिपोर्ट एक दिन में आ जाता है। FNAC के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं क्योंकि इसमें फॉल्स निगेटिव रिपोर्ट आने का चांस बहुत ज़्यादा है। फॉल्स निगेटिव मतलब क्या कि कैंसर है फिर भी रिपोर्ट निगेटिव आ रहा है, मतलब कैंसर होने के बावजूद रिपोर्ट रॉन्ग आ रहा है, तो वो एक उसका ड्रॉबैक है। क्योंकि क्या होता है कि FNAC में बहुत ही छोटा पीस आ जाता है, तो कभी कभी वहाँ पर कैंसर है पर कैंसर के जो एरिया है वहाँ से अगर सैंपल नहीं आता है तो वो रिपोर्ट निगेटिव आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और इसका फ़ायदा क्या है कि फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही सिंपल है, OPD बेसिस टेस्ट है और कुछ एनेस्थेसिया वगैरह देने की ज़रूरत नहीं रहती और बहुत जल्दी, मतलब एक दिन में रिपोर्ट बन जाता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। दूसरा जो बायोप्सी का तरीका है जिसको बोलते हैं कोर बायोप्सी जो है ये ब्रेस्ट कैंसर में बहुत कॉमनली जो किया जाता है कोर बायोप्सी होता है। आजकल के टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड कोर बायोप्सी करते हैं, जो सबसे बेहतरीन तरीका आज के डेट में समझा जाता है कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड कोर बायोप्सी का तरीका जो है वो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड से हम ट्यूमर को देखते हैं और वहाँ से हम उसका बायोप्सी ले लेते हैं। ये भी एक OPD बेसिस या डे केयर प्रोसीजर होता है जिसमें हम पेशेंट को चाहिए तो लोकल एनेस्थेसिया देते हैं और वहाँ से हम गाइडेंस से वहाँ से एक टुकड़ा निकाल देते हैं, जो हम कॉमनली करते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है कि सर्जिकल बायोप्सी। तो सर्जिकल बायोप्सी में अलग अलग बायोप्सीज हैं, जैसे कि पंच बायोप्सी है, वेज बायोप्सी है या एक्सीजन बायोप्सी है। तो ये अलग अलग टाइप है जिससे हम बायोप्सी कर सकते हैं। पर एक्सीजन बायोप्सी जो है, एक्सीजन बायोप्सी मतलब क्या है कि जो ट्यूमर है ये पूरी तरह से निकाल के उसका बायोप्सी करना, उसको बोलते हैं एक्सीजन बायोप्सी। पर आज के डेट में हम विदाउट डायग्नोसिस एक्सीजन बायोप्सी रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट में कैंसर सस्पेक्टेड है तो अनप्लान्ड सर्जरी नहीं करना चाहिए। तो एक्सीजन बायोप्सी एक काइंड का अनप्लान्ड सर्जरी है। तो जनरली ये जहाँ तक पॉसिबल हो एक्सीजन बायोप्सी हम अवॉइड करते हैं और एक प्लान्ड तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि अगर ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी करना है तो उस केस में हमको ट्यूमर के साथ लिम्फ नोड्स भी निकालना पड़ता है और ट्यूमर जो है एक अच्छे मार्जिन से, मतलब पूरा ट्यूमर और आजू बाजू का एरिया भी निकालना पड़ता है। तो इसलिए हम एक्सीजन बायोप्सी जनरली रिकमेंड नहीं करते हैं। अनलेस ट्यूमर बहुत ही छोटा है और उसका बायोप्सी नहीं कर सकते हैं तो उस केस में हम एक्सीजन बायोप्सी करते हैं, अदरवाइज हम कोर बायोप्सी एडवाइस करते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हो गया बायोप्सी का। तो आपके केस में अगर ब्रेस्ट कैंसर सस्पेक्टेड है, आपको बायोप्सी एडवाइस किया है, तो आप मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, मैं आपको
आगे का ट्रीटमेंट क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में आपको मैं गाइड कर सकता हूँ। अगर आपको बायोप्सी करना है, मेरे क्लिनिक में आना है, तो आप मेरे क्लिनिक में भी आ सकते हैं। मैंने मेरे क्लिनिक का एड्रेस जो है यहाँ पर दे दिया है, वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं और बायोप्सी के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।